हेलो गाइस, आई एम सोमोजीत। आप लोग देख रहे हैं मेरे चैनल ऑल अबाउट टेक। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियलमी 2 का दो ऐसा हिडन सेटिंग्स जिसको देखने के बाद आप लिटरली चौंक जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, ये जो दोनों सेटिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, ये दोनों सेटिंग्स रियली बहुत ही अच्छा है। इन दोनों सेटिंग्स के अंदर एक सेटिंग्स विदाउट एप्लीकेशन है और एक सेटिंग विद एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ से डाउनलोड करना है वो सब कुछ मैं डायरेक्टली बता दूंगा आपको। और अगर ये जो मैंने जो सेटिंग्स आपको दिखाने वाला हूँ, ये सेटिंग्स आपको पहले से पता है तो बहुत ही अच्छा है, पर प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेटिंग है। और साथ ही साथ अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सवाल करना चाहते हो मुझसे, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, तो भाई यहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इंस्टाग्राम का आईडी नाम भी आपका स्क्रीन में शो कर रहा है, भाई जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो आप। और बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं पहले सेटिंग्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा दो ऐसा हिडन सेटिंग्स रियलमी 2 का जो इसको देखने के बाद आप चौंक जाएंगे। तो पहला जो सेटिंग्स है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो गूगल क्रोम को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और गूगल क्रोम यूज़ ना करने के बाद भी ये सेटिंग्स एप्लीकेबल हो सकता है, पर मैं आपको ये गूगल क्रोम से करके दिखाऊंगा। तो चलिए गूगल क्रोम को थोड़ा बहुत ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गूगल क्रोम का यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है। अभी अगर आप मेरे थंबनेल को क्लिक करके यहाँ पे आए तो आपको पता चला है कि वहाँ पे मैंने कुछ लिखा टाइप का हुआ है जो कि करना पॉसिबल नहीं होता है हर टाइम। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वो किस तरह से करना है। जो राइटिंग में लिखा मैंने पेज में थंबनेल में लिखा हुआ है वो किस तरह से करना है। तो पहले आपको यहाँ पे google.com को ओपन करना है, google.com। तो जैसे आप देख रहे हैं google.com को ओपन करने के बाद ये सेटिंग्स आपको सारी पता होगा। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, वेदर, स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट, ये सब वगैरह है। पर यहाँ पे नीचे आपको 6 सेटिंग्स दिखाई दे रहा है इंडिया के नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं सेटिंग्स, प्राइवेसी, टर्म्स, एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस, अबाउट। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, उसके बाद जाना है सर्च सेटिंग पे। तो जैसे कि आप आ गए यहाँ पे सर्च सेटिंग में, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मल्टीपल चॉइस करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको यहाँ से चॉइस करना है सर्च हिस्ट्री मैनेज करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली आके इस हैंडराइटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैंडराइटिंग नाम का एक टैब है जिसके पास एक क्वेश्चन मार्क वगैरह है। तो आप इसको हैंडराइटिंग को डायरेक्टली इनेबल कर दीजिए। इसी मामला इनेबल करने के बाद आप सीधे बैक आएंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च सेटिंग्स में जाके इसको इनेबल करना है हैंडराइटिंग को, उसके बाद आपको यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकेंगे कि जब ये आएगा तो आपके सामने नीचे एक बार ओपन हो जाएगा जहाँ पे बस स्पेस है और कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ कीबोर्ड टाइप का कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको कीबोर्ड करना है तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी लिखूँगा गूगल। तो फाइनली इन्होंने डिटेक्ट कर लिया गूगल। और यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ वीडियो, तो यही सब भी लिख सकता हूँ, और जो भी आपके मन चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये वहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। शायद ये सेटिंग्स आपको पता नहीं था, पर ये जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा यानी अच्छा है। अगर आपको आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हो ऐसे तो आप कर सकते हो, और अगर आप किसी के पास आके ये करते हो तो वो सोचेगा हाँ भाई ये आपको मोबाइल के बारे में काफ़ी अच्छा जानकारी है। तो ये थी पहले ट्रिक्स, ये मुझे बताना नीचे कैसा लगा आपको, क्या ये ट्रिक्स आप अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। अभी हम लोग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं एक बहुत ही बढ़िया सेटिंग्स के, जो कि सेटिंग्स सेकेंड सेटिंग्स है। आपको पता है कलर OS 6 एंड एंड्रॉयड 9.0 बाय रियलमी 2 एंड रियलमी C1 में आ चुका है, पर वहाँ पे एक बहुत बड़ा फीचर्स मिसिंग है जो कि है लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन मैगजीन। इसके लिए शायद बहुत ज़्यादा लोग तड़प रहे थे कि भाई हमें लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन मैगजीन दे दो, पर रियलमी तो देंगे नहीं, और क्या ही कर सकते हैं, शायद बाद में आएगा किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से। तो मैंने एक पहले वीडियो बनाया था जो कि ग्लैंस एप्लीकेशन के मदद से था, जहाँ पे आप लॉक स्क्रीन मैगजीन को इनेबल कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं एक ऐसा एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा जो कि काफ़ी अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम भी करता है। तो चलिए आज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ऐसे ऐसा एप्लीकेशन जहाँ से आप अपना सारे काम कर सकते हैं। लाइक इस एप्लीकेशन का नाम है वॉलपेपर चेंजर। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर चेंजर नाम की एक ऐप है। इस ऐप को अगर आपको डाउनलोड करना है तो सीधे आपको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में आना पड़ेगा। गूगल प्ले स्टोर में आने के साथ साथ आप जस्ट वॉलपेपर चेंजर नाम करके सर्च कीजिए। सर्च करने के साथ साथ आपके सामने ये जो ओपन होगा यही एक्चुअल एप्लीकेशन है। ये एक्चुअल एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा काम का है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ इसका इंटरफेस कैसा है और इसको किस तरह से काम में आपको लेना है और क्यों ये लॉक स्क्रीन मैगजीन को रिप्लेस कर सकता है।
तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले एक इंटरफेस खुल के आ गया है, जहाँ पे ऊपर वाला सेटिंग छोड़ दिए, लास्ट सेट इमेज ये छोड़ दीजिए, जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ चेंज वॉलपेपर एवरी। आप यहाँ पे मिनट आवर्स डेज के हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो मैंने इसको 1 मिनट सेट करके रखी है, आप इसको 16 मिनट ऐसे भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसका नाम है चेंज वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन। अगर आप ये इसको 16 मिनट ना करके आपको इसको 1 मिनट कर देते हैं और यहाँ पे चेंज वॉलपेपर ऑन लॉक स्क्रीन अनलॉक, तो यहाँ पे अगर लॉक स्क्रीन को अनलॉक करने के टाइम हम वॉलपेपर को चेंज करना चाहते हैं तो पर 1 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे वॉलपेपर अच्छे से चेंज हो जाएगा। और ये जो लास्ट वाला फीचर है, ये भाई एक्चुअल जो फीचर्स है, ये फीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस जो कि चीज़ का, ठीक है। आप मैं बात करता हूँ इस फीचर्स का काम क्या है, मैं बाद में आता हूँ। अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा कि इसको इस एल्बम को एडजस्ट कैसे करना है। तो आपको जाना है एल्बम वाले टैब में, आपको यहाँ पे डिफॉल्ट में टैप करना है। डिफॉल्ट में टैप करने के साथ मैंने बहुत सारा पिक्चर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करके रखे हैं। आपको इसी एरिया में ये जो प्लस आइकॉन मिल रहा है वहाँ पे आप एक इमेज को ऐड कर सकते हैं, क्रॉप्ड इमेज को ऐड कर सकते हैं, या टोटल एक फोल्डर को ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारा फोल्डर मेरे पास था, तो मैंने यहाँ पे एक पूरा फोल्डर्स को ही ऐड कर लिया, और फोल्डर्स को ऐड करने के साथ साथ उस फोल्डर में जितने सारा फोटोज़ था उतनी सारी फोटोज़ यहाँ पे आ चुका है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं ये सब फोटोज़ हमारे पास है, और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ सेटिंग्स है, कैसा पिक्चर आप चाहते हैं, पिक्चर का डेंसिटी क्या होगा, डार्क इनवॉल्वर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे चेंजेस में आके ये सब तो हो गया और बाकी सब ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देखिए मैं यहाँ पे एकदम से आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो अभी आप है आपका होम स्क्रीन में, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वॉलपेपर पहले था, अभी कुछ और वॉलपेपर आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे डबल टैप करता हूँ, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो चुका है, फिर से डबल टैप किया और ये भी चेंज हो चुका है, फिर से डबल टैप किया, ये भी चेंज हो चुका है। ये जो एप्लीकेशन है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है भाई, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये एप्लीकेशन। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कहाँ से वॉलपेपर चेंज करूँ, क्या करूँ ना करूँ। यहाँ से ये जो एप्लीकेशन है काफ़ी ज़्यादा जल्दी से आप वॉलपेपर को चेंज कर सकते हो। ऐसे आप घुमा रहे हो, मालूम है आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे आप चेंज कर दिए तो ये वॉलपेपर आपको अच्छा लग रहा है। अगर आप इस वॉलपेपर को कुछ ना करते हो तो ये 1 मिनट के बाद ही चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर डबल टैप करते हो तो यहाँ पर वॉलपेपर चेंज होता रहेगा। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम में। तो फाइनली ये बात ख़त्म हुआ कि मैंने 2 ट्रिक्स आपको दिखा दिया। इन दोनों से इसके अंदर जो पहला था वो भी मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है और सेकेंड भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आप बोलना कि क्या आपको लॉक स्क्रीन मैगजीन चाहिए और क्या आप इस सेटिंग्स को अप्लाई करने वाले हो अपने फ़ोन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेटिंग्स है। तो मुझे नीचे ज़रूर बताना कमेंट्स में आपका क्या फीडबैक है, आप क्या इस सेटिंग्स में अंदर कौन सी सेटिंग्स को आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सी सेटिंग्स, तो ज़रूर मुझे बताना नीचे कमेंट में। और भाई वीडियो को एक बार लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा तो, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।